guys, I hope आप लोगों ने मुझे ज़्यादा miss नहीं किया हो and I hope you guys are doing great. Welcome to Stall the Ball. And हम लोगों ने सोचा बहुत अच्छा मौसम है तो आप लोगों को पॉड की मेन बॉक्स दिखाई जाए. तो आज हम आए हैं ली फील्ड्स में. तो यहाँ पर लोग बहुत फिजिकल फ्रीक होते हैं तो ये लोग अच्छे से ट्रैक्स बना के रखते हैं ताकि जॉगिंग वगैरह के लिए. तो आज हम आपको दिखाते हैं ऐसी कुछ वॉक्स कॉर्क की फेमस. So let's get started. So guys, ये यहाँ की एंट्रेंस और ये पार्किंग के लिए सारा इन्होंने स्पेस दिया हुआ है विच इज़ गुड बिकॉज काफ़ी ऐसे लाइक मिडल में है ये. और ये पूरी वॉक वहाँ से कंटिन्यू हो रही है जहाँ हम पहले भी वीडियो अपने दिखा चुके हैं पार्क के एंड बैलन कॉलेज एंड सी द व्यू. ओह माय गॉड, इट लुक्स सो परफेक्ट. अपार्टमेंट अभी और इसका नाम है एटकिंस अपार्टमेंट. बट इसके पीछे बहुत ही ऐसे लाइक हॉरर स्टोरी टाइप है कि यहाँ पहले मेंटल असाइलम हुआ करता था, वो भी बहुत साल पहले. और बहुत सारी ऐसे लाइक डेथ हुई यहाँ पर और बड़ी सारी मतलब ठीक है, इतना पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है यहाँ के. और मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते थे यहाँ पे जिनका कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इन अपार्टमेंट्स में. तो आई वुड से अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो डोंट बाय प्रॉपर्टी इन दीज अपार्टमेंट्स बिकॉज चीप देते हैं ये आपको. और आप देख रहे हो इसके आगे कुछ नहीं है, लाइक इट्स ऑल क्लोज्ड. और इसका इवन सारा रास्ता है जहाँ से ये इसको जाओगे आप जहाँ इसके लिए वो भी सारा अंधेरे में और इट्स ऑलवेज डार्क इधर की साइड. और इतने बड़े बड़े रूम्स और हॉल्स वाले इनके घर हैं, मतलब इनकी रूफ इतनी बहुत लंबी लंबी है तो वो देखने में ही स्कैरी हो जाता है सारा का सारा. तो आई वुड से नॉट टू बाय दीज अपार्टमेंट्स प्लीज. बहुत प्यारी लोकेशन है इसके. इधर की साइड आपको सारे ऐसे कमर्शियल चीजें मिलेंगी, कोई ऑफिस वगैरह भी इधर मिल रहा है, सोनालिका स्वराज गार्डन वर्ल्ड इट इज. और अभी हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ पर ये सारा पानी लाइक अ वाटरफॉल नीचे जा रहा है. तो इट्स रियली नाइस व्यू फ्रॉम देयर. छोटा सा वाटरफॉल, मिनी वाटरफॉल. काफ़ी ठंड लग रही है हमें यहाँ पे. जब आए थे तो यहाँ पे सनी डे था सारा और सनी के आगे तो सारे क्लाउड्स हो गए हैं. अब क्लाउडी हो गया है. ये कॉर्क के वेदर की स्पेशलिटी है कि चेंज होता रहता है, यू नेवर नो. और आप लोगों को यहाँ पे शेड्स लगा के लोग रात को भी मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मौका मिलता है जिसको जब शेड्स लगाने का तब लगा लेते. डिपेंडिंग करता कि सनी है रेनी है. बस इतना है कि बहुत पागल ना लगो आप, उतना ही देखते हैं ये बाकी तो फिर सारा टाइम लगा के घूमो. तो ये है वो छोटा सा वाटरफॉल जिसकी हम बात कर रहे थे. और कॉर्क की ये खासियत है कि आप कहीं पर भी जाओ यू विल ऑलवेज फाइंड अ रिवर. ये रिवर ली है ना. दिस इज रिवर ली और ये पूरे कॉर्क में आपको हर जगह आप कहीं पर भी जाओगे आपको रिवर ली मिल जाएगी. एंड इट्स सो कोल्ड, आई डोंट वांट टू टेक माय हैंड्स आउट ऑफ माय जैकेट. हम लोगों ने शेड्स उतार लिए अपने क्योंकि अब स्नो मोर सनी. और ये पीछे हमारे किंग्सले होटल है तो ये उसकी बैक साइड है. और मैं सोच रही हूँ यहाँ से व्यू कितना प्यारा होगा बिकॉज इसकी जस्ट साइड में इधर रिवर है और इधर बैक साइड, इट्स सो प्रीटी. वहाँ से वॉक करते करते हम यहाँ पर आ गए और ये है मालडाइक अरीना. यू कैन सी
और अगर आप यूसीसी आ रहे हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप इसकी सारी फैसिलिटीज़ फ्री में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यूसीसी स्टूडेंट्स का अलग से कार्ड बनता है और यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन स्विम, यू कैन यूज अ स्पा और व्हाटएवर लाइक जिम एवरीथिंग. सो इट्स रियली नाइस प्लेस टू बी. और ये वॉक सीरियसली बहुत लंबी वॉक है, लाइक हम वहाँ से आए चलते हुए और अभी ये भी कंटिन्यू हो रही है और ये भी आगे तक जा रही है, तो यहाँ तो आप चल चल के मर भी सकते हैं. Unless you are Irish. Yeah. और आयरिश वेदर यहाँ पर इस टाइम इतना टिपिकल आयरिश वेदर है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, वो दिखेगी नहीं कैमरे में बिकॉज इट्स लाइक वेरी शावर रेन काइंड ऑफ रेन. और अभी सुबह हमें पूरा दिन सनी डे दिखा रहा था. बारिशें हो रही हैं उसमें, क्लाउडी हो गया कभी, इट्स लिटरली टिपिकल आयरिश वेदर. बट आई लव दिस कंट्री एंड वेदर. अनप्रेडिक्टेड. और यहाँ मारडाई करीना ख़त्म हो रहा है, ये पूरा फील्ड है इसकी. और जहाँ ये ख़त्म हो रहा है इसके पीछे ये मेरे मानव, यहाँ पर ये फील्ड ख़त्म हो रही है एंड हियर इज दिस प्रीटी ब्रिज. तो ये वही कनेक्ट कर रहा है जो एटकिंस अपार्टमेंट है, ये सारा उधर वाला जो भी एरिया है, सारे यहाँ घर और सभी चीज़ें हैं. आपको कोई और मिलता है ले सकते हो, बट किसी स्टूडेंट को मतलब मैं प्रेफर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि जो लोकल्स हैं उनको पता है वहाँ सर्वाइव कैसे करना है, सामान कब कितने बजे तक मिलते हैं, तो सारी चीज़ें. इट्स डिफरेंट फॉर लोकल्स. बट अगर स्टूडेंट्स हैं तो आई डोंट थिंक कि उनको फर्स्ट टाइम पे ऐसी जगह जाके रुकना चाहिए जहाँ पे पहले से ही इतना कोई है ही नहीं मतलब. सो आई वोंट प्रेफर, बाकी आपका मन हो तो ठीक है. बट इट्स सो प्रीटी, मज़ा आ गया आज यहाँ पर आके. बट देखते हैं अभी हम ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं. के ऊपर है और भाई बड़ा ही टेम्परेरी जुगाड़ है, ये हिल रहा है इसके ऊपर चल रहे हैं तो ओह गॉड. और लोग उस पर जानवर से कूदे हैं जस्ट टू टेस्ट कि कितना मजबूत है ये लोग. क्रेजी है यार, इट्स लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट एज वेल बिकॉज यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है. ये देखो और दोनों साइड से व्यू पाना लगा हुआ है फोटोज खींचने में. फॉर मोर अपडेट्स गाइस फॉलो आवर इंस्टाग्राम, यहाँ की फोटोज और सब चीज़ हम लोग उस पर भी अपलोड करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ और अच्छे अच्छे शॉट्स हमारे उसमें दिखेंगे. तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आपको इंस्टाग्राम पेज हमारा वीडियो में नीचे लिंक में शो होगा. तो अब हम फिट्ज़गेरल्ड पार्क में आ गए जो कि कंटिन्यूशन में ही है उस वॉक के. और अभी हमें एक छोटी सी बच्ची मिली, वो हमें ब्रिज के ऊपर थी और मुझसे आगे कहती ओ ये फोन लुक्स सो नाइस, डू यू वांट टू स्वैप इट विद माय फोन. मैंने कहा विच वन इज़ योर्स, तो कहती कि मेरे पास आईफोन 11 है. मैंने कहा आर यू किडिंग मी. फिर कहती कि वाई द कैमराज आर सो बिग. मैंने कहा बिकॉज दे हैव लाइक डिफरेंट फीचर्स एंड ब्लाह ब्लाह. फिर मानव ने बोला उसको कि एक काम कर तू मुझसे स्वैप कर ले. कैरी विच इज़ योर्स, इसने बोला XR. कैरी नो इट्स ओके. फिर कहती डू यू वांट टू स्वैप, मैंने कहा नो इट्स ओके. मतलब उसको वो आंसर सेम ही मिल गया. फिर चली गई बेचारी यार. मैंने कहा नहीं फ़ोन तो मैं नहीं दूंगी, पूछ रही थी कहाँ से लिया ऑनलाइन ये वो. तो बताया मैंने उसको थोड़ा सा, 6-7 ईयर्स की होगी शायद. हाँ बहुत छोटी, इतना बड़ा फ़ोन लेके घूम रही और उस ब्रिज के ऊपर भी चढ़ गई वो. यहाँ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं ना सीरियसली मैन. यहाँ पर ये बहुत सही चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ फुल्ली इन्वॉल्व होकर इन्जॉय करते हैं. मतलब यहाँ सारे पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ, वो लोग उनको खिलवा भी रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सब चीज़ों में. मतलब इट्स रियली कनेक्टिंग पेरेंट्स और किड्स.
आज गाइस हम लोगों ने 2.5-3 किलोमीटर तो वॉक कर ही लिया, लाइक लिटरली सुबह से चलने में लगे हुए, और ये फाइनल पार्क है। मतलब इसके बाद हम लोग ये नहीं शूट कर रहे, और ये बेसिकली यहाँ पर इस वॉक की तो एंडिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो फिट्ज़गर्ल्ड पार्क है ये इतना ही है। अभी थोड़ा बहुत और दिखाते हैं, एक ब्रिज है, बट बाकी ये वीडियो हम लोग दो पार्ट्स में बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी 2-3 और जगह हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं और अभी रह गई हैं। और ये कितना प्यारा था ये, आई डोंट नो, आई सी शो के लिए इट लुक्स गुड आएंगे। और इसी उसके अंदर यहाँ पर एक कैफेटेरिया टाइप भी है पार्क के अंदर, तो चलते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह लेते हैं यहाँ से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाथ जम गए हैं मेरे तो गाइज़, मानव गया है अभी अंदर कॉफ़ी लेने के लिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू ही लिया, मैं बाहर वेट कर लेती हूँ क्योंकि मास्क लगाना पड़ेगा। और ये पार्क वैसे अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है उधर तक, और अभी जो हम इसको सेकंड वीडियो में जो और जो चीज़ कवर करेंगे वो भी बहुत ही अच्छे स्पॉट्स हैं, और ये दूर भी नहीं है, लाइक इट्स लाइक विद इन कॉर्क सिटी सेंटर से ही। तो हियर कम्स मानव, इधर कॉफ़ी, कॉफ़ी हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट गुड। तो हमारी हॉट चॉकलेट ख़त्म हो गई है, और उसी के साथ साथ फिट्ज़गर्ल्ड पार्क भी यहीं पर ख़त्म हो गया है। और तो आपको अगर हमारी पिक्स देखनी हो या और कोई अपडेट्स देखनी हो तो आप हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको यहीं पर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। और फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू ऑल द बॉल, प्लीज़ गिव इट अ लाइक इफ़ यू लाइक इट, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये पार्क कैसा लगा और यहाँ का ये कल्चर और ये सब चीज़ें, लाइक लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस वॉक। सी यू इंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।